नहीं पहले नहीं हुआ करता तो था और ये के पास नहीं तो मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। जब मेरे पास आई थी उन्होंने मुझे बोला था करके टच का फोन, मैंने बोला ये टच का फोन इज क्वाइट ट्रेंडिंग, आजकल सबके पास ये फोन होता है और रील्स आजकल सब लोग ज्यादा, ये गाना बहुत कैची गाना है, सो ये सोचकर मैंने ये इनपुट अपना डाला करके कि आई वांट टू डू दिस सॉन्ग एंड आई वांट टू मेक इट करके इंस्टाग्राम ऑन द नेक्स्ट लेवल ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, सारे इंटरनेट पे धूम मचा दूंगी। सो या अब आपका काम है करके कि ये गाने को ग्लोबल ही धूम मचाना है, सो प्लीज प्लीज शावर योर लव टू आवर सॉन्ग एंड जितना भी हम सब ने मेहनत की है प्लीज प्लीज मेक लॉट ऑफ रील्स वीडियोज एंड शावर योर लव विथ and your blessings. Thank you very much guys. अरे very important, सब लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब करना अपना जो गाना है YouTube Entertainment पे आया YouTube पे, तो अब्राहम भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर प्लीज। बहुत मेहनत की है भैया, थोड़ा तो लिहाज करो और मारो स्वाइप अप और बनाओ रील। लिए बहुत एंथुजियास्टिक था करके कि ये म्यूजिक वीडियो होने वाला है एंड इट विल बी रीचिंग, बिकॉज मूवीज करते हैं तो कुछ कुछ नहीं दिखते बट म्यूजिक वीडियो आजकल ओवरऑल ग्लोबली लोगों के पास पहुंचता है। सो या दिस वाज वन ऑफ माय थिंग आल्सो करके एंड शूटिंग करने के टाइम पे जो जो मुझे बॉब और पवन बोलते जा रहे थे करके हीना मुझे ये फील चाहिए मुझे ये फील चाहिए, मैंने सिर्फ अपने आप को वो जगह पे खड़े होकर वो फील देने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं सोचा करके कि मैं अपना खुद दिखाऊँ, बिकॉज एक क्रिएशन होता है एक उसका दिमाग होता है, हम एक्टर्स हैं हमको वही करना होता है जो उनकी थिंकिंग है, जब हम हमारा खुद का करते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फॉलोइंग अप एवरीबडीज थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग और आई डोंट नो आई लव डांसिंग टू द कोर, मतलब मुझे इतना डांसिंग पसंद है कि मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, तो जब उन्होंने एक्सप्रेशंस बोले तो इट जस्ट केम आउट इनसाइडली और जब मैं काम करती हूँ ना मुझे वो काम करना ही पसंद है, आई थिंक सो मुझे लाइफ में काम करना ज़्यादा पसंद है। So yeah, it was a lovely experience working with Bob Pavan and जो हमारे director थे जो financier थे जो भी थे उन्होंने इतना family bond दिया है, मतलब वो मुझे लगा नहीं कि मैं काम करने जा रही थी, it was like हीना यार तेरा गाना है तू कर ले यार बिंदास कर ले तू सोच मत तू इतना भी सोच मत, मैं I am actually like that, I don't want to be like क्या बोलते करके एक sophisticated, I'm a very bindas and a very outward person and very bold in my way. So yeah, I put in my 100% into it and this is how we got the execution of our song. Touch ka phone dila de. Well, of course it's your song and you're looking brilliant in that. And ek bar sare hi team members ke liye zordar taaliyan ho jaye. Super. Bara mujhe aapko puchna hai, aap log ne gana dena koi reaction to everyone. They all can ask anything. देखो ये गाने इतना जल्दी शूट होना इतना बढ़िया बनना इट्स नॉट एन इजी टास्क राइट, कैसा लगा? जैसे आपने कहा इट्स नॉट अ इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है, अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट उसका फल अच्छा मिलता है। सो हम सब ने यही और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में सिर्फ मेहनत करना, आई थिंक लक आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है, आई जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा।
जैसे अब्राम भी अपने लाइफ में आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए ही देखा है. सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है. तो वो चाह के वजह से आज जो आपको लैविशिंग और ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग चीज़ें वो सब मेहनत के बलबूते पे है. सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया नहीं. आई मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में. उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था. मैंने वो गाना सुना. जब उन्होंने मुझे गाना भेजा था मैंने गाना सुना. टच का फोन इज वन ऑफ द मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फोन सबके पास होता है. सेकेंडली ये था कि इंस्टा है ट्विटर है जो कि आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मायने है लाइफ में. सब कुछ लाइफ में इनको लगता है करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है. एंड तो या ये चीज़ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हीना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉकबस्टर द स्क्रीन राइट नाउ. सो या मैंने वो भी सोचा. आई लाइक मैं जेन्यूनली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सोच होती है इंसान को कोई भी काम करने से पहले. या सो या दैट्स द रीज़न आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ. पूरे गाने के लिए 8 घंटा अगर हमारे गए ना तो ऑल थैंक्स टू अब्राम. हम लोग तो सिर्फ डांस 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 कर रहे थे बट एक डांस के बीच में एक चुटकुला जो होता है ना वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था. सो या वी हैड अ फॉर दैट आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर. सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे. सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोगों को जानती हूँ. सो इट वाज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो साथ में काम करते हैं वो अपने एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कंफर्ट जोन मिलता है ना नए लोगों के साथ उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है जिनके साथ अपन ज़्यादा काम करते हैं जिनको अपन जानते हैं. तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है. सो मुझे वो फीलिंग था. तो इट वॉज अ ग्रेट ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल.